वसुदेव सुतम देवम कांसा चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम भद्रकालाय नमः। ओम श्रीये नमः। ओम श्रीये नमः। ओम श्रीये नमः। ओम सत्चित आनंदमय चिन्मय प्रभु की जय हो। सत्चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद धन प्रभु की जय हो जय हो जय हो। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे है। मैं आपके शरण में हूं। मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं आपके शरण में हूं। मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं केवल परमेश्वर का हूं और केवल परमेश्वर ही मेरे है। मैं केवल परमेश्वर का हूं और परमेश्वर ही मेरे है। गाय गंगा यात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इस तरह के मूल प्राण तत्व है कि रक्षा सुरक्षा प्रत्येक जीव का प्रत्येक मनुष्य का आदि सनातन सृष्टि का संपूर्ण विश्व का कर्तव्य ही नहीं महान महान कर्तव्य है। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान सत्य चित आनंदमय चिन्मय प्रभु को प्रणाम। जो प्रभु सच्चिदानंद धन प्रभु सत्चित आनंदमय चिन्मय प्रभु आपके हृदय रूपी मंदिर में हृदय रूपी गुहा में विराजमान वो ब्रह्म है परब्रह्म है। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। ओम तत् सत ओम तत् सत ओम तत् सत जय हो नमो नमः नमो नमः नमो नमः साधु साधु। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि योगीराज बद्री विशाल अवध के संत महात्मा आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे आपको प्रणाम कर रहे आप कृपया हमारे प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। साधु 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 साधु। मिट्टी ना मन की वासना नो तत भयो नमा नाश तुलसी केते पंचमुए दे दे तन को त्रास। मिटी न मन की वासना नो तत भय न नाश तुलसी केते पचमुए दे दे तन को त्रास 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 त्रास। मई चान योगिन भक्ति ख्याभिचारणी विवेकता ने स्मरजत्रजन संसाधि। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अवध्य भिजारणी भक्ति का होना एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का ना होना। मई चलन्य योग रहा भक्ति व्यभिचारणी संसार का आश्रय लेने के कारण सबका देह अभिमान बना रहता है। यह देह अभिमान अव्यक्त के ज्ञान में प्रधान बाधा है। इसको दूर करने के लिए भगवान यहां तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर अनन्य योग द्वारा अपनी अवध्य भिचारणी भक्ति करने का साधन बता रहे हैं। तात्पर्य है कि भक्ति रूप साधन से ही देह अभिमान सुगमता पूर्वक दूर हो सकता है। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा ना हो अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य गुरु देवता शास्त्र आदि मेरे को उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल बुद्धि योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार की किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि का सहारा ना हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो यह भगवान में अनंत योग होना है।
यह प्रभु में परमेश्वर में ईश्वर में अनंत योग होना है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ कितमात्र भी अपना संबंध ना हो। यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति का साधन उपाय भी भगवान ही हो और साध्य उपाय भी भगवान ही हो। यही अनन्य योग द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। जिस साधक में ज्ञान के साथ साथ भक्ति के भी संस्कार हो, उसके लिए यह साधन बहुत उपयोगी है। भक्ति परायण साधक अगर तत्व ज्ञान का उद्देश्य रखकर एकमात्र भगवान का ही आश्रय ग्रहण करता है, तो केवल इसी साधना से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गुणातीत होने के उपायों में भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति की बात कही है। गीता के 14वें अध्याय के 26वां श्लोक, शंका यहां तो भक्ति से तत्व ज्ञान की प्राप्ति बताई गई है और 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति कही गई है। ऐसा क्यों? समाधान, जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, जैसे भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य, भक्ति ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्व एक ही है। साधन भक्ति और साधन ज्ञान ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन है। अतः जहां भक्ति से तत्व ज्ञान साध्य ज्ञान की प्राप्ति मात्र नहीं है वह भी ठीक है, और जहां ज्ञान से पराभक्ति की साध्य भक्ति की प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्मा ही हो, लक्ष्य केवल परमात्मा ही हो, परमेश्वर ही हो, ईश्वर ही हो, को प्रभु हो, सच्चित आनंदमय चिन्मय प्रभु लक्ष्य हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। शंका होती है, भगवान ने ज्ञान के साधनों में अपनी भक्ति को किस लिए बताया है? क्या ज्ञान योग साधक भगवान की भक्ति भी करता है? समाधान, ज्ञान योग के साधक जिज्ञासी दो प्रकार के होते हैं, भाव प्रधान भक्ति प्रधान और विवेक प्रधान ज्ञान प्रधान। भाव प्रधान जिज्ञासी वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। गीता के 7वें अध्याय का 16वां और 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, इसी अध्याय के 2वें श्लोक में माम मम, 3वें श्लोक में मैं, इस 10वें श्लोक में मई और 18वें श्लोक में मदक तथा मदावत पदों के आने के सिद्धि सिद्ध होता है कि 18वें श्लोक तक भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रकरण है, परंतु 19वें 24वें श्लोक तक एक बार भी अस्मात् मैं वाचक पद का प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए वही विवेक प्रधान जिज्ञासु प्रकरण है। अब यहां भाव प्रधान जिज्ञासु का प्रसंग होने से ज्ञान के साधनों के अंतर्गत भक्ति रूप साधन का वर्णन किया जाता है। दूसरी बात, जैसे सात्विक भोजन में पौष्टिक लिए घी या दूध की आवश्यकता होती है, तो वही घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले अकेले भी पुष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान
के साधनों में मिलकर भी परमात्मा परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेली भी गुणातीत बना देती है। गीता 14वें अध्याय के 26वां श्लोक, पंतम जल योग दर्शनम, पतंजलि योग दर्शनम में भी परमात्मा प्राप्ति के लिए अष्टांग योग साधनों में सहायक रूप से ईश्वर परिधान अर्थात भक्ति रूप नियम कहा, और उसी भक्ति को स्वतंत्र रूप से भी कहा है। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति रूप साधन अपना एक अलग विशेषता रखता है। इस विशेषता के कारण भी ज्ञान के साधनों में भक्ति का वर्णन किया गया है। विवेक प्रधान जिज्ञासु हुआ है जो सत्य सत्य का विचार करते हुए दिव्य विवेक वैराग से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। इसी अध्याय के 19वें 24वें श्लोक तक विचार करके देखा जाए तो आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासु की कमी और भोग शक्ति की बहुलता से कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों में लिए भक्ति रूप प्रधान बहुत उपयोगी है, अतः यहाँ भक्ति का वर्णन करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। उपाय, केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन चिंतन स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। केवल प्रभु को ही अपना मानना, मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे है, मैं परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर ही मेरे है, मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर ही मेरे है, मैं ईश्वर का हूँ और ईश्वर ही मेरे है। व्यक्ति देश विशिष्ट स्वयं स्वम, मैं एकांत में रहकर परमात्मा तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को गहरा उतर कर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधनों में कोई भी विघ्न बाधा ना पड़े, मेरे साथ कोई ना रहे और मैं किसी के साथ ना रहूं, साधक की ऐसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम वित्त देश स्वेच्छित है। तात्पर्य यह हुआ कि साधक की रुचि तो एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, पर ऐसी एकांत ना मिले तो मन में कितमात भी विकार नहीं होना चाहिए। उसके मन में यही विचार होना चाहिए कि संसार के संग का संयोग तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूप में असंगता स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध असंगता में संसार का संग संयोग संबंध कभी हो ही नहीं सकता, अतः संसार का संग कभी बाधक हो ही नहीं सकता। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ वास्तव में भूल ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही है। संपूर्ण संसार का बीज यह शरीर तो साथ में है ही, जब तक इस शरीर के साथ संबंध है, जब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना ही हुआ है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। वास्तविक एकांत वह है जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज ना उत्पन्न हुई हो, ना है और ना ही होगी, जिसमें ना इंद्रिया है, ना प्राण है, ना मन है और ना अंतकरण है, जिसमें ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, जिसमें ना व्यस्ति शरीर है और ना समित संसार है, जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व है, जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व है, परम तत्व ही तत्व है, एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं, कारण कि एक परमात्मा तत्व के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी प्रतीत
के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है वे इंद्रियांतकरण आदि भी स्वयं प्रतीत हो ही प्रतीति ही है। अतः प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हो रहे हैं। हमारा स्वरूप का संबंध शरीर और अंतकरण के साथ कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि शरीर और अंतकरण प्रकृति का कार्य है और स्वरूप का सदा ही प्रकृति से अतीत है। इस प्रकार अनुभव करना ही वास्तव में विविक्त देश सवित्तव है, विविक्त देश सवित्तव है, विविक्त देश सवित्तव है, इस प्रकार का अनुभव करना। अरति जन संसद साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति रुचि ना हो, अर्थात कहां क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि संसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा ना हो, तथा समाचार सुनने वाले लोगों से मिले कुछ समाचार प्राप्त करे ऐसी किस मात्र इच्छा प्रीति ना हो, परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधक के विषय में चर्चा करना चाहता है, उसमें उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है वह आरती जन्म संसदी नहीं है। ऐसे ही जहां तत्व की बात होती है, आपस में तत्व का विचार होता हो अथवा हमारी दृष्टि में कोई परमात्मा तत्व को जानने वाला हो, ऐसा पुरुषों के संग की जो रुचि होती है वह जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती, वह तो आवश्यक है, कहा भी गया है, संग सर्वतम सतम संगो ही भिषदम, अर्थात असक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर किसी ऐसी असंगता ना होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग, भद्र पुरुषों का संग करना चाहिए, कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त कराने की औषध है। श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त कराने की औषध है, भद्र पुरुषों का संग करना चाहिए, भद्र पुरुषों का संग करना चाहिए। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, सनातन वैदिक राष्ट्र का स्थापना हो रही है, राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति की स्थापना हो चुकी है, समस्त विश्व में इसका विस्तार हो रहा है। आप भी जुड़े और जोड़े, संपर्क नंबर है 9811-7947, 9811-7947, ये संपर्क नंबर है। जुड़े विश्व राष्ट्र के कल्याण के लिए, प्रत्येक जीव के भले के लिए, समाज सेवा के लिए तन मन धन से जुड़े, जो जहां से है वहीं से जुड़े, वहीं से सेवा दे। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि योगीराज बद्री विशाल अवध केशन सनातन सत्य सनातन धर्म प्रचार और प्रसार का कार्य कर रहे हैं, सत्य सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्य कर रहे हैं। हम धर्म गुरु आपसे निवेदन करते हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े, संगठन से जुड़े और सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार का कार्य करें, सर्वधर्म से जुड़े, चारों वर्ण जुड़े, पांचवां वर्ण निषाद है वो भी जुड़े, सभी लोग जुड़े। यहां सिर्फ जीव की जाति है, जीव धर्म है, यतो धर्मो ततस्य जय, जहां धर्म है वहां जय है जीत है, जहां धर्म है जहां वहां जय है जीत है, यतो धर्मो ततस्य जय, जहां धर्म है वहां जय है जीत है। जय सनातन धर्म, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ओ
नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय जय हो।